हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप फ्रीचार्ज एप्लीकेशन यूज करते हो और फ्रीचार्ज एप्लीकेशन में आपको आपके बैंक अकाउंट का जो है वो बैलेंस चेक करना है तो उसमें क्या स्टेप्स है, सारे बताने वाला हूं आज की वीडियो में। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी देखिए। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। फ्रीचार्ज एप्लीकेशन में अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्रीचार्ज एप्लीकेशन ओपन करना होगा। एप्लीकेशन ओपन होते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है आपको आपके स्क्रीन के ऊपर देखने मिल जाएगा दोस्तों। तो फ्रीचार्ज एप्लीकेशन में एक ही तरीका है जिससे आप आपका बैलेंस चेक कर सकते हो और वो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। होम स्क्रीन के ऊपर ही जहाँ पे ऊपर के साइड पे आपको प्रोफाइल का आइकॉन दिखता है वहीं पे आपको चेक बैलेंस का ऑप्शन जो है देखने मिल जाएगा। तो आपको सिंपली चेक बैलेंस के ऊपर क्लिक करना है। चेक बैलेंस के ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों आपके जितने भी अकाउंट लिंक्ड होंगे वो आपको इस पेज के ऊपर देखने मिल जाएगा। आप देख सकते हो अभी फिलहाल के लिए मेरा एक ही अकाउंट फ्रीचार्ज एप्लीकेशन में मैंने लिंक किया हुआ है तो यहाँ पे वो शो हो रहा है। अगर और भी कोई अकाउंट्स होंगे तो वो आपको यहाँ पे नीचे देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे सिंपली हर बैंक के आगे आपको यहाँ पे चेक बैलेंस का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। आपको चेक बैलेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। चेक बैलेंस के ऊपर क्लिक करते ही ये मुझे 6 डिजिट UPI पिन एंटर करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे मैंने जो पिन सेट किया है वो पिन मैं यहाँ पे एंटर करके ओके पे क्लिक कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों जहाँ पे बैंक अकाउंट के आगे पहले चेक बैलेंस का ऑप्शन था वहां पे अभी बैलेंस जो है वो शो हो रहा है। तो ये सिंपल स्टेप है दोस्तों जिसे फॉलो करके आप फ्रीचार्ज एप्लीकेशन में आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है वो चेक कर सकते हो। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। आज का वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।